हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे किस तरह से हम इस बॉल को यहाँ से जंप कराएंगे, किक लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपने कैरेक्टर को प्ले कर लेता हूँ। ये यहाँ तक 508 जो फ्रेम है इसमें मेरा कैरेक्टर गोल के पास तक आता है। देन मैं जो अपनी टाइमलाइन है इसको खोल लेता हूँ और इसको मैं प्रॉपर चेक करता हूँ। ठीक है, 515 तक ये यहाँ पे आता है। अभी मैं कैरेक्टर को सेलेक्ट करूँगा और देन जो उसका 2D मोशन की एडिटर है इसको मैं ले लेता हूँ। आप मैन्युअली यहाँ से भी इसकी जो बोन है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं या मैन्युअली आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने ये बोन सेलेक्ट कर ली, मैं इसको इधर हटा देता हूँ। अब मेरा ये कैरेक्टर है और इसका जो मोशन की एडिटर है वो ये आ गया और आप देख रहे हैं ये जो बना हुआ है, ये जो लाइन है इससे पता लगता है कहाँ तक हमारा कैरेक्टर मूव कर रहा है। यहाँ पर आकर के हम इसको एक छोटी सी यहाँ पे हम छोटा सा एक इसको मोशन दे देते हैं, वहीं पर एक की बन जाती है। कंट्रोल जेड करता हूँ या फिर हम डबल क्लिक करके भी, सॉरी डबल क्लिक करके नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं इसको छोटा सा एक मौसम दिया हूँ, वापस वहीं पे छोड़ दिया। तो ये की हमारे पास बन गई है कि ये सिर्फ यहीं पे रहेगा पीछे, देन आगे हम इसको 15 है तो मैं इसको 30 तक यानी कि आधे सेकंड में या फिर अगर 1 सेकंड में चाहता हूँ तो 15 है तो 15 का ये हो गया 30, 45 हो गया। तो 45 फ्रेम तक ये पैर 1 सेकंड में ऊपर जाएगा। देन दूसरे सेकंड में नीचे आएगा 45 65 फ्रेम पे ये यहाँ से बॉल को जंप मारेगा और वो जंप मारेगा तो इतना उठेगा, देन फिर ये वापस आ जाएगा कुछ ही फ्रेम 15 फ्रेम में वापस अपनी जगह आ गया। अब मैं ये मोशन के एड्रेस को बंद कर देता हूँ और जो मेरी बॉल है वो कहाँ से यहाँ से यहाँ पर आ कर जंप कर, यहाँ पे पैर लग चुका है बॉल को। बॉल है तो जो बॉल है हम इस बॉल का जो मोशन है उसको ले लेते हैं और मैं इसको थोड़ा सा मूवमेंट दे के वापस छोड़ देता हूँ, जिससे क्या हमारी बॉल का मौसम है टाइमलाइन काफ़ी बड़ी होती है। आप इसको स्क्रॉल करके लाल मोशन नीचे रख देते हैं। अब ये बॉल पीछे यहीं पे रहेगी और यहाँ से यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जेट प्रेस करके इसको छोटा कर लेता हूँ और एक्स दबा करके मैं इसको उधर ले आता हूँ, क्योंकि मुझे बॉल जो है इस फ्रेम से बाहर निकालनी है। देन मैं बॉस बॉल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। यहाँ से ये पैर लगते ही इसका बॉल जो है चालू हो जाएगी, वो मैंने इसको दे दिया है। देन
मैं इसको या अपने अनुसार आप जो भी फ्रेम पे इसको बाहर निकालना चाहते हो निकाल सकते हैं। तो ये किस किस तरह से हो गया, पैर लग पे ही बॉल जो है चम्प करके चली गई। आप बॉल को दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, लेकिन कैमरे के कैमरे से आप दिखाएंगे। फिलहाल ये इसका एनिमेशन बन गया। मैं अभी टाइम लाइन को तो फिर बंद कर देता हूँ, हटा देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको प्ले करके देख लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको प्ले करता हूँ, ठीक है। वापस मैं इसकी कोई समझो वही कर देता हूँ, एप्स प्रेस करके आप इसको जो फ्रेम एरिया है इसके अंदर ले आएंगे। जूम करके इसको बड़ा कर दें क्योंकि छोटा हो गया, और जितना दिखेगा रेंडर में उतना आप इसको एडजस्ट कर दें, ठीक है। मैं इसको प्ले कर लेता हूँ, आप इस तरह से एनिमेशन इसके अंदर बना सकते हैं। और ये सारी की सारी पीएनजी इमेजेस हैं या फिर जिफ एनिमेशन है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं चलता हुआ, ये सभी कुछ आप बोन टूल से बना सकते हैं। इसके बारे में और आगे अच्छी तरह से वीडियो बना के मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।